काली पूजा को लेकर रांची में कई छोटे बड़े आकर्षक और भव्य पंडाल बनाए गए हैं। करम टोली और रही टोली में भी भव्य पंडाल बनाया गया। वहां पर बच्चों के लिए मनोरंजन के कई साधन भी लगाए गए। यहां पर 1984 से पूजा समिति की ओर से शमशान काली पूजा होती है, इसकी कई विशेषताएं और मान्यता है, जिसकी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता दीपक उरांव। उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और आज काली पूजा है। काली पूजा दो तरह का होता है और इस काली पूजा को लेकर राजधानी रांची में कई अलग अलग जगहों पर छोटे बड़े आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं और इस वक्त हम मौजूद है करम टोली अहिर टोली स्थित पूजा समिति द्वारा निर्मित पंडाल के समक्ष। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बार भव्य तरीका से पंडाल का स्वरूप तैयार किया गया है। साथ ही साथ मनोरंजन के भी यहाँ पर कई साधन लगाए गए हैं। बच्चे जब यहाँ पर आएंगे पंडाल का अवलोकन करेंगे, इसके साथ ही यहाँ पर मनोरंजन का जो साधन लगाए गए हैं उसका भरपूर लुत्फ भी उठाएंगे। यहाँ पर जो काली पूजा होती है वो किस पूजा पद्धति के तहत होती है, इन तमाम चीजों को पूजा समिति से जुड़े लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जी बताइए कि यहाँ जो पूजा होती है, ये शमशान काली होगी। यहाँ शमशान काली की पूजा, इसका कलर काला होता है और ये हम लोग का वो शमशान से भी मट्टी आती है रात में और उसका भी पूजा होता है। शमशान काली का यहाँ बलि होता है हर साल। और जो शमशान काली का जो भी रीति रिवाज तांत्रिक पूजा तांत्रिक पंडित के द्वारा यहाँ पूजा होता है, तांत्रिक विधि से ही पूजा पाठ होता है। यहाँ रांची के लगभग कोने कोने से जिन लोग कोई दुख तकलीफ में होता है उन लोग माँ से मांगते हैं और जब पूरा होता है तो उन लोग उसका यहाँ आके बलि चढ़ाते हैं। अधिकतर देखा गया है जिस साल पूजा बहुत अच्छा तरह से माँ खुश होती है उस दिन उस साल बलि होता है तो माँ के चरण में जाकर सीधे बलि सब माथा चढ़ चला जाता है। पूजा शाम 7 बजे से स्टार्ट होगा और 1 बजे तक खत्म हो जाएगा क्योंकि कल 2 बजे से सूतक लगने वाला है, इस चलते 1 बजे तक खत्म हो जाएगा और उसके बाद पट बंद हो जाएगा। इस पूजा समिति के द्वारा जो माँ काली की पूजा होगी वो तांत्रिक विधि विधान से होगी और दूर दराज से भी लोग यहाँ आकर के जो मनोकामना करते हैं वो भी कामना पूर्ण होती है, यही विश्वास है और लोगों का आस्था इस पूजा समिति द्वारा जो पूजा आयोजित की जाती है उससे जुड़ा हुआ है। और इसको लेकर पूजा समिति के द्वारा तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है और तैयारी अंतिम चरण पर है और मनोरंजन के भी भरपूर यहाँ पर साधन लगाए गए हैं। तो जो भी भक्त यहाँ पर आएंगे वो मनोरंजन के साथ पंडाल का अवलोकन करेंगे और माँ काली का दर्शन भी कर पाएंगे। अपने सहयोगी कैश के साथ मैं दीपक राव। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।